जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेकपुलिस चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपनी सी प्रोग्रामिंग की वीडियो सीरीज में मेरी लास्ट वीडियो थी कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो उनमें से एक टाइप या फिर पहला टाइप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है। तो वह क्या होता है, ऐसा काम किस तरीके से होता है, कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, तो इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अगर ऑपरेटर के बारे में आपने नहीं जाना है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज फॉर न्यूमेरिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो हमारे किस में यूज होते हैं, वह हमारे यूज होते हैं न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, यानी कि जहाँ भी नंबर लिखे होंगे 2, 4, 5, 6 उनके बीच में एक ऑपरेटर यूज करेंगे, जैसे 2 + 5 = 7। तो ये हमारे दो ऐसे न्यूमेरिक डाटा हैं जिनका यूज किया हमने बीच में प्लस ऑपरेटर का। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है यह हमारे सी में अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। और भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ यही है कि न्यूमेरिक कैलकुलेशन में उसका यूज़ होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके दो तरीके के हो सकते हैं। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका हो सकता है यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर, और सेकंड हो सकता है आपके बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। पहले टाइप की अगर हम बात करें तो यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका वह ऑपरेटर है जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड का यूज होता है। ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, ये दोनों टर्म्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ऑपरेटर हमारा सिंबल होता है और जो हमारे वेरिएबल्स या फिर कोई डाटा होता है वो हमारे ऑपरेंड होते हैं। तो यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे वह ऑपरेटर है जिनमें हम ऑपरेटर के साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड का यूज़ करते हैं। एक हो सकता है हमारा प्लस, एक हो सकता है हमारा माइनस। ये दो तरीके के हमारे यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। इनके साथ हम कोई वेरिएबल लिख लीजिए प्लस ए माइनस बी, इसका मतलब ये है कि जो ए वेरिएबल है वह प्लस साइन का है और बी वेरिएबल जो है वो माइनस साइन का है। तो यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके दो तरीके के हो सकते हैं, यूनरी प्लस ऑपरेटर और यूनरी माइनस ऑपरेटर। तो वही बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिनमें हमारे दो ऑपरेंड होते हैं, यानी कि हमारे पास दो डाटा है 2 और 5, इनको हमें ऐड कराना है तो हम प्लस बीच में लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दो ऑपरेंड है, एक 2 है और एक 5 है, पर ऑपरेटर सिर्फ एक ही है, ये है प्लस साइन। तो हमारा बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर वही ऑपरेटर है जिसमें हमारे दो ऑपरेंड होंगे और एक ऑपरेटर होगा। तो अब बात होती है कि बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर कितने तरीके के होते हैं। तो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके 5 तरीके के होते हैं। वह 5 तरीके के कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका बाइनरी अर्थमेटिक मतलब कि एडिशन ऑपरेटर, एक होता है माइनस ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर आप बोल सकते हैं, एक एस्ट्रिक साइन यानी कि मल्टीप्लीकेशन, एक आपका डिवाइड और एक आपका मॉडुलस। मॉडुलस एक स्पेशल टाइप का अर्थमेटिक ऑपरेटर है। देखिए, प्लस साइन को आप पता ही होगा, दो वेरिएबल्स को या दो डाटा को, दो न्यूमेरिक डाटा को ऐड करना प्लस साइन का काम है, तो वही यहाँ भी होगा। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए हम एस्ट्रिक का यूज़ करते हैं, डिवाइड के लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं। मॉडुलस किस लिए यूज़ करते हैं, देखिए मॉडुलस हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर के लिए। सपोज़ कीजिए आपके पास 5 है, अब जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, आपका रिमाइंडर बचेगा 1। तो ये जो 1 होगा वह मॉडुलस की मदद से मिलेगा, और ये जो 2 है ये आपका डिवाइड है। अगर आप 5/2 करते हैं और सिर्फ इस साइन का यूज़ करते हैं, डिवाइड साइन का, तो आंसर आपका 2 आएगा। अगर आप 5/2 करते हैं और मॉडुलस साइन का यूज़ करते हैं तो आंसर आपका 1 आएगा। ठीक, यहाँ पर एक बात और है कि बाकी ये जितने भी 4 ऑपरेटर्स हैं ऊपर वाले, इनको आप हर तरह के डाटा टाइप के वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि करेक्टर का होगा, फ्लोट का होगा, इंटीजर का होगा, सब में यूज़ कर सकते हैं। पर जो मॉडुलस सिंबल है, मॉडुलस ऑपरेटर है, इसको आप सिर्फ इंटीजर में यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, इन मॉडुलस सिर्फ इंटीजर में यूज़ होगा, ना कि फ्लोट में। यहाँ पर एक नोट भी है डेट यूनरी प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। देखिए, यूनरी प्लस और माइनस ऑपरेटर जो है वे आपके अलग हैं इन नॉर्मल बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से। वह कैसे कि यूनरी प्लस यानी कि एक ऑपरेंड होगा तो प्लस ए हो या माइनस ए हो, ठीक है, तो ये दोनों बता रहे हैं कि आपका जो वेरिएबल है वह साइन क्या है, उसका साइन क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर हो गया। और जो आपका बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है वह क्या है कि वह बताते हैं कि इनका एडिशन क्या होगा,
ई प्लस बी और ई माइनस बी, ठीक। तो ये दोनों डिफरेंट है। तो हम जानते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर की एक्सप्रेशन कितने तरीके की हो सकती है। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हो सकते हैं आपके तीन तरीके के हो सकते हैं, जिनमें से पहला तरीका है आपका इंटीजर अर्थमेटिक। तो इंटीजर अर्थमेटिक से मतलब क्या है? देखिए इंटीजर अर्थमेटिक से मतलब यह है कि जो आपके दो वेरिएबल्स होंगे वह दोनों इंटीजर टाइप के हों, ठीक। सपोज कीजिए इफ आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है आपका ए जिसकी वैल्यू आप 5 मान लीजिए क्योंकि इंटीजर है, और दूसरा वेरिएबल है आपका बी इसकी वैल्यू भी आप 4 मान लीजिए क्योंकि ये भी इंटीजर है। इंटीजर अर्थमेटिक वह है जिसके जितने भी वेरिएबल्स होंगे वह सिर्फ इंटीजर के हों। तो इसमें आप जब बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का ऑपरेशन करेंगे तो उसका आंसर किस तरीके से आएगा वह आप देखिए। देखिए अगर आप प्लस एडिशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे तो ए प्लस बी, ए आपका 5 है, बी आपका 4 है, तो 9 आ जाएगा। ऐसे ही ए माइनस बी, ए आपका 5 है, बी आपका 4 है, आंसर आपका 1 आएगा। ऐसे ही ए स्ट्रिक बी, आंसर आपका 20 आ जाएगा, 5 × 4। ए डिवाइड बाई बी, आंसर क्या आएगा आप देखिए, 5 से आप जब 4 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर भी 1 ही बचेगा। तो डिवाइड कर रहे हैं फिलहाल, तो डिवाइड वाला आएगा पोर्शन 1। ऐसे ही ए मॉडुलस बी क्या आएगा, 1 आएगा क्योंकि रिमाइंडर भी 1 ही बचेगा। क्योंकि हम इंटीजर अर्थमेटिक यूज़ कर रहे हैं, इंटीजर वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए हम मॉडुलस साइन वाला ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक बात देखिए कि अगर आपकी कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन आती है 4/5, या आती है -4 -5, कुछ इस तरीके की कैलकुलेशन आपको करानी हो, तो उसका आंसर क्या आ सकते हैं? ऊपर वाली संख्या के और नीचे वाली संख्या के दोनों के साइन अगर सेम हो, जैसे 4 भी प्लस का है 5 भी प्लस का है, और नीचे वाली संख्या बड़ी हो ऊपर वाली संख्या से, तो आंसर 0 आएगा। ऐसे ही देखिए इन दोनों के साइन सेम है, नीचे -4 -5, नीचे वाली संख्या बड़ी है, तो इसलिए आंसर आपका 0 आएगा। अगर एक्सप्रेशन होती है आपकी -4/5, तो आंसर आपका या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, क्योंकि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों के साइन डिफरेंट है, +5 है और -4 है। तो ऐसे में 0 भी आ सकता है, 0 को ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, -1 भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? ये दोनों मशीन डिपेंडेंट है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये वाली जो कैलकुलेशन है आपकी, ये मशीन डिपेंडेंट है। अब एक बात और देखिए आप, सपोज कीजिए आपके पास -16 मॉडुलस 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 16 को डिवाइड करना 3 से, तो 3 × 5 = 15 बचे क्या, 1 बचा, तो 1 आपका रिमाइंडर होगा क्योंकि मॉडुलस साइन हम रिमाइंडर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो आंसर आ गया आपका 1। लेकिन वो बात सही है, 1 आ गया, पर जो भी ऊपर होगा 16/3 हम इस तरीके समझ सकते हैं, जो भी ऊपर वाली वैल्यू होगी उसका जो भी साइन होगा वही साइन आपके आंसर में आएगा, क्योंकि माइनस का 16 है तो आंसर माइनस का 1 हो गया। अगर -16 मॉडुलस -3 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस माइनस प्लस को हम नहीं देखेंगे 3 के, बल्कि हम ऊपर वाला जो वैल्यू है उसको देखेंगे। तो -16 है तो -1 हो गया। अगर वैल्यू होती है आपकी 16 मॉडुलस -3 तो भी आपकी वैल्यू ऊपर वाले पर डिपेंडेंट होती तो प्लस का 1 होता, ठीक है। तो कुछ ये कंडीशंस हैं, इनको आप दिमाग में रखिएगा। इंटीजर अर्थमेटिक जानने के बाद अब हम जानते हैं फ्लोटिंग पॉइंट या फिर रियल अर्थमेटिक क्या होते हैं, जिसमें आपके दोनों वेरिएबल्स या दोनों डाटा फ्लोट टाइप के हों या फिर रियल टाइप के हों। सपोज कीजिए आपके पास इफ ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है आपकी 15.5, और एक और वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू है आपकी 5.3 मान लीजिए। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 15.5 प्लस 5.3 कितना होगा आपका, 20.8। ऐसे ही ए माइनस बी आपका कितना होगा, इसमें से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10.2। ऐसे ही ए एस्ट्रिक या मल्टीप्लाई बाय बी क्या होगा आपका, 82.15, ये मैंने पहले ही कैलकुलेट किए हुए हैं। ए डिवाइड बाय बी आपका कितना होगा, 2.92। अब आप देखिए क्योंकि हम फ्लोट पर बात कर रहे हैं, फ्लोट और रियल पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में हम सिर्फ 4 ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मॉडुलस का हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। अब हम जानते हैं मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक। मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक से मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि एक वेरिएबल की वैल्यू आपकी इंटीजर टाइप की हो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू या फिर दूसरा डाटा आपका फ्लोट टाइप का हो। तो ऐसे में आप मान लीजिए इफ
ए इज इक्वल टू 7 एंड बी इज इक्वल टू कोई फ्लोट मान लीजिए। देखिए ए की वैल्यू इंटीजर है और बी की वैल्यू फ्लोट टाइप की है, तो ऐसे में बाइनरी अर्थमेटिक क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9.5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4.5, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल टू 17.5, ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 2.8। देखिए कभी कभी मिक्स मोड अर्थमेटिक आपका सही हो जाता है या फिर ज़्यादा काम का होता है। किस तरीके से मैं बताता हूँ, सपोज कीजिए आपके पास 5 था जिसको आपको डिवाइड करना था 2 से, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2.5, आपकी मैथमेटिक्स में आएगा भाई। पर अगर आप इंटीजर अर्थमेटिक यूज़ कर रहे होते तो आंसर आता आपका सिर्फ 2। क्यों आता, देखिए 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 4, रिमाइंडर बचा 1। तो ऐसे में पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं गिने का ये, क्योंकि इंटीजर यूज कर रहे, जितने बार गया 2 टाइम्स गया तो वह उसका आंसर हो जाएगा। पर अगर आप मिक्स्ड मोड यूज कर रहे होते तो ये 0.5 टाइम्स दिखता। तो ऐसे में कभी कभी आपको जरूरत हो जाती है मिक्स मोड अर्थमेटिक यूज करने की, तो भला वही होगा कि इंटीजर अर्थमेटिक की जगह अगर ऐसा आंसर चाहिए हो तो मिक्स मोड अर्थमेटिक यूज कीजिए या फिर कोई भी वैल्यू आप फ्लोट टाइप की मान लीजिए। ये तो थी हमारी आज थ्योरेटिकल बात, कल हम प्रैक्टिकली बात जानेंगे। तो अगली वीडियो हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे ही होगी, पर हम उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करेंगे, उसमें आपको समझाऊंगा किस तरीके से काम करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।